बुराई जब भी आती है ना अपने जीवन में, हमेशा अच्छी पैकेजिंग में आती है, आकर्षण में आती है, आपको सुंदर दिखेगी। अगर आपको दिख जाए कि बुराई में ये कमी है और ये हमारे जीवन को बिगाड़ कर रख देगी, कौन उसे अपनाएगा? कोई उसे अपने जीवन में नहीं लाने देगा। लेकिन वो सुंदर बनकर आती है, आकर्षक दिखती है, तो हर कोई उसे ग्रहण कर लेता। और वो जीवन जो बिगड़ता है, बाद में पता चलता है कि दिखने में इतनी अच्छी थी और बाद में उसका हमारे जीवन पर क्या असर हुआ। अगर बुराई से बचना है तो क्या करें? बोले आंखें बंद कर लो। आंखें बंद, दृष्टि मत मिलाओ, बुराई से संपर्क कांटेक्ट मत रखो, संपर्क खत्म कर लो। कई बार होता है ना, हमें पता होता है कि ये लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं ये अच्छे नहीं है, इनका साथ छोड़ना है, ये मेरे पूरे पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और आपने महीने भर उनसे दूरी बनाकर रखी, अचानक एक फोन आया, घर वाले मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, मत जाओ। लेकिन न जाने कौन सा ऐसी आफता पड़ी है महाराज, गए और जो महीने भर का किया था इतना प्रयास, वो एक सेकंड में सब छूट गया। फिर से आप उसी में, उन्हीं लोगों में चले गए। और वो लोग हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। बुराई कई रूपों में होती है, इसलिए कहा कि आंख मत दो, दृष्टि मत दो। जिसको भी आप चित्त में लेके आओगे वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा, इसलिए कहा दृष्टि मत दो। उससे संबंध मत रखो। तो भगवान, कुछ विद्वान कहते हैं महाराज, एक हमारे ब्रजवासी ने कि भगवान संकेत कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? आओ आओ, आपको स्वागत है, ऐसे संकेत कर। संकेत भी तो भाषा होती है ना, आप लोग करते कि नहीं करते संकेत भाषा में? ये भी आप जो गर्दन हिला रहे हैं, क्या है संकेत भाषा? कोई घर में मेहमान आ जाए तो पिताजी की आंखें होती हैं, बस समझ लो महाराज के गुस्सा है कि आपने कुछ गलत कह दिया, तो आंखें एकदम बड़ी हो जाएंगी। और अगर कोई मेहमान आया, अगर उसके लिए कुछ मंगवाना है तो बस आपको बस इशारा होगा तो फिर आप दौड़ कर जाएंगे, चाय वाय बनवाएंगे, इधर आओ, बिना वाणी के बोलते ही संकेत। तो हमारे ब्रज में 12 वन हैं, उनमें से एक वन है संकेत वन। वहां राधा और कृष्ण में बोलचाल नहीं है, लेकिन संकेत भाषा में बातचीत होती है, संकेत शास्त्र भी है। तो एक प्रसंग आता है कि एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तो इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि देवी जी चली गई महाराज अपने पियर। अब जो वो अपने मायके गई, तो फिर जो ससुराल में सास ससुर थे, उन्होंने अपने बेटे को फटकारा, ये तूने क्या किया, क्यों इतना लड़ा? अब बहू को कौन लेके आएगा, वो इतना नाराज होके गई है, बात नहीं कर रही है, इसलिए तू ही जा कैसे भी करके हमारी बहू को लेकर आ। अब वो महाराज जाता है, अब उसकी इच्छा है, लेकिन बेटी ने जाके जैसे ही अपनी बात शिकायत की तो घर वाले इतने महाराज बौखलाए हुए थे कि उससे बात करने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा अब हो गया सो हो गया, अब बेटी हमारे पास रहेगी, अब नहीं जाएगी यहाँ से। अब उस पत्नी को भी लगा कि अब क्या करें, मैंने क्यों ही बोला, और मेरा मन है, मेरा पति अब मुझसे क्षमा याचना करने आया है। तो पति चाहता था बात करना पत्नी को, लेकिन घर वाले उसको बीच में बिठा के महाराज अब बात करने देना नहीं चाहते थे, बोले सब खत्म हो गया अपने। तो पत्नी ने पति की ओर देखा तो पति ने इशारा किया, बालों पे हाथ फेरा, इशारा समझते, बाल काले हैं रात में मिलो, क्या कहा, और सफेद हो तो दिन में मिलो, और खोपड़ी पर नाए हो तो, या जन्म में तो कोई है ना है मारा चांस, अब अगले जन्म में मिलो। तो संकेत भाषा का आपके शरीर में, आपके बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप वाणी से कम, हाथों के इन सबसे, आंखों से सबसे बात करते हैं। तो यहां पर संकेत कर रहे हैं भगवान, आओ आओ, आपको स्वागत है, स्वागत है। पूतना आई, भगवान के स्वरूप को देखा, सुंदर सुकुमार प्रभु का वो प्यारा सा स्वरूप देख करके इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि भूल गई वो कौन है, रोने लगे।
ये पूर्व जन्म में कोई और नहीं बलि की बेटी थी रतनमाला। भगवान को देखकर इसके मन में अभिलाषा जगी कि ये इतना सुंदर छोटा सा बालक अगर मेरा बालक होता तो कितना सुंदर होता। तो भगवान के समक्ष उसने ऐसी अभिलाषा रखी कैसे पूर्ण नहीं होती। लेकिन जब उसके उसके पिता को भगवान ने बांध लिया, बलि को बांध लिया था ना, उसने दो पग में भगवान ने पूरी त्रिलोकी नाप ली, एक पग रह गया था, भगवान ने तीन पग भूमि मांगी थी और जब नहीं दे सका तो भगवान ने बांध लिया नागपास में, कहां है एक पग भूमि, कठोर हो गए। तो अपने पिता को बंधा हुआ देखकर ये जोर जोर से सांसें लेने लगी, कहने लगी इसे पुत्र बनाना चाह रही थी, एक बार हाथ आ जाए इसे जहर पिला दूं मैं। भगवान ने वहां भी तथास्तु कह दिया और इस कारण ये यहां शिशु घातनी बनी है, लोग बच्चों को मारती है और आज भगवान को ही जहर देने के उद्देश्य से आई है। तो पूर्व की भगवान ने ऐसी स्मृति प्रेम जगाया कि प्रभु को देखकर रोने लगे। यशोदा मैया ने देखा ये तो कोई लगता है या कि कोई बालक नहीं है इसलिए रो रही है, अपना बालक उठा के उसी की गोदी में दे दिया। बहन रोए मत, तेरो ही लाला है, या को खिला। बेचारी यशोदा मैया कहा जाने महाराज कि ये कौन आफत है। बेचारी यशोदा मैया तो देकर बाहर गई और पीछे से पूतना ठाकुर जी को लेकर वो कौन सा खिलाने आई थी, उसे एकदम से स्मृति आई, ये मैं क्या कर रही हूँ, इस बालक के सौंदर्य पर मैं पागल हो रही हूँ, मुग्ध हो रही हूँ, मैं तो उसे मारने आई हूँ। दौड़ कर गई महाराज खिरकों से, जहां खिरक कहते गौशाला को, वहां जाकर जैसे अपने वक्ष स्थल से लगाया, भगवान दुग्ध पीने लगे। अब उसने देखा 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आए तो कछु है ही ना रो महाराज, कहां सबरे बालक मर मराए गए, एक बस केवल होठ से लगाती हूँ और सब मर जाते, ये तो महाराज मरी ना रहो। फिर सोचती है थोड़ी देर और पिलाऊं, और पिलाने के बाद पहले भगवान उसका जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य पी जाते हैं और फिर इस जन्म के उसके पापों को पीकर जैसे ही प्राण पीते हैं फिर तो चिल्लाती है मुंच माँ मुंच माँ मुंच माँ, मुझे छोड़ मुझे छोड़। मुंचाल मिति प्रभाषिणी 18 किलोमीटर की हो गई, अपना निज रूप जो लेकर आई थी वो माया भी रूप छोड़ दिया। किस रूप में आई, अपना खुद के रूप में आ गए, भागने लगे। ऐसा लग रहा जैसे कोई काजल का पहाड़ घूम रहा और उसके बीच में एक छोटा सा कमल जो ठाकुर जी के रूप में है लिए भाग रही है और सब ब्रजवासी देख रहे उसके पीछे भाग रहे हैं। डर भी नहीं है महाराज लोगों को कि पाम दर्देगी तो सब कुचल जाएंगे, पर महाराज उनको लग रहा कि हमारा तो जीवन दनिया के हाथ में है, सब भाग रहे हैं। और जैसे प्रभु ने प्राण पिए धड़ाम से जाके मथुरा में गिरी ये पूतना, गिरते ही प्राण समाप्त हुए। अब जैसे ही ठाकुर जी को उठा करके सब लेकर आए, मैया की गोदी में रखा, मैया ने दुग्ध पान कराया, गौ के पुक्ष का झाड़ू दिया, रज लगाई, भगवान को भगवान के नाम से ही रक्षित किया गया। भगवान मुस्कुराने लगे, मेरे ही नाम से मेरी ही रक्षा की जा रही है। देखो कभी किसी के छोटे नवजात बच्चे रोते हो रात्रि में, बहुत दुखी होते हो, बहुत उत्पात मचा रहे हो, ऐसे में आपको ये पूतना स्टक पढ़ना चाहिए जहाँ भगवान को रक्षा की जा रही है। उन मंत्रों को, ये 8 श्लोक हैं, इन 8 श्लोकों को यदि आप बच्चे को गौ के रज को लगा करके पढ़ देते हैं या किसी ब्राह्मण से पढ़वा देते हैं तो फिर वो नहीं रोता। कई बार छोटे नवजात बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं और कुछ ऐसे प्रारब्धवश उन्हें संपर्क होते हैं जिनके कारण उनमें बेचैनी होती है। तो हमें ये पूतनाष्टक अगर आप पढ़ लेते हैं और ठाकुर जी का नाम लेकर के रज लगा देते हैं गाय की, और ऐसे भी नहीं तो केवल पूतनाष्टक उस बालक को सुना देते हैं तो भी बालक को फिर दोबारा से रोता नहीं है, तो ये आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पूतना को जब उसका शरीर काटा गया तो महाराज पूरे शरीर में जब काट रहे थे तब तो दुर्गंध थी, लेकिन जैसे ही जलाया गया तो क्या हुआ, सुगंध फैल गई। क्योंकि जो गति भगवान ने माँ यशोदा देवकी को प्रदान की वही गति किसको प्रदान की, इस पूतना को प्रदान कर दी।
जो मारने के उद्देश्य से आई थी, भगवान ने इसे टाल दिया। इसने दो बार मुंच माम बोला, यानी मुझे छोड़, माने भगवान से कह रही ये दोनों बार कि मुझे इस द्वंद से निकालो। द्वंद क्या है? हम घड़ी के पेंडुल की तरह हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी जीवन कभी मृत्यु, कभी आनंद कभी गम, इनमें ही डोलते रहते हैं महाराज। तो ये जो द्वंद है जिनमें हम फंसे रहते हैं, उससे हमें निकाल करके अपनी शरण में जो ले जाए, वो पूतना मांग रही है कि मुझे अपनी चरण शरणागति दे दो। और प्रभु ने आज उसे मोक्ष प्रदान किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पूतना पर कृपा की है, कहा गोकुल कोई और नहीं, आपका शरीर है, ये मन ही नंद है, बुद्धि ही यशोदा है और आत्मा ही कृष्ण है। जब ये मन इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र जाता है, तभी पीछे से अशांति दुविधाएं आती है। इसलिए पूतना आई है, लेकिन आज ये नहीं जान पाई पूतना, अज्ञान आता है सताने के लिए, किंतु किसको सताने आया है? भगवान को सताने आई है महाराज, जिससे ज्ञान निकला है। तो पूतना बाल घातनी है। बाल कहते हैं अबोध को, अबोध माने जिनको ज्ञान नहीं है, समझदार नहीं है, ऐसे लोगों को अविद्या सताती है, पूतना सताती है। लेकिन आज भगवान को सताने गई तो मारी गई, प्रबुद्ध को ज्ञानी को सताने गई। तो यहाँ पूतना के वध पर ये समझाया है कि भगवान जब जीवन में आते हैं तो सबसे पहले किसका हरण करते हैं? अज्ञानता का, सबसे पहले अविद्या को हटाते हैं। कई बार हम भक्ति के नाम पे बड़े अंधविश्वासों में घूम रहे होते हैं, श्रद्धा के नाम पर हम बहुत सारे ऐसे कृत्यों को कर रहे होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, डर में जी रहे होते हैं। आप देखो महाराज, कितने लोग हैं जिनको शनिवार वाले दिन महाराज लाइन लगी होती है, शनिदेव पे तेल चढ़ाना है, तेल चढ़ाना है, तेल चढ़ाना है। आप शनिदेव पे भले एक दीपक जलाओ और छटाक भर तेल भले ही चढ़ा दो, और उसी तेल को यदि आप ऐसे लोगों को दे दें जिनको आवश्यकता है, तो आपको लगता है शनिदेव कुछ करेंगे? जब आप सत्कर्म करते हैं स्वतः ही अपने आप सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं, पर आप देखो डर इतना है। रास्ते में जा रहे हैं, कोई मंदिर पड़ा, कई लोग तो ड्राइवर एकदम हॉर्न बजाएंगे, पूछो काय को बजा रहे हो? श्रद्धा के साथ बजाते हो, अच्छी बात है, पर डर के यहाँ बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है अगर नहीं बजाया तो। डर है, कई लोगों की आस्था है कि ये वाले बालाजी काम बनाएंगे तो वहां से जाने में 36 बालाजी बीच में पड़ जाए, सब बेकार है महाराज, बस वो ही बनाएंगे काम। ये क्या है? देखो कहा जाता है निष्ठा होनी चाहिए, किंतु वो भय में ना हो। हम या तो लोभ में भजते हैं भगवान को या फिर भय के कारण, और ये चीजें कभी भगवान से प्रेम नहीं होने देंगी। भगवान के जीवन में आते ही भय खत्म हो जाना चाहिए। जब आप जीवन आपका संबंध कृष्ण से जुड़ जाए तो फिर संसार के किसी का भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभयंकर हैं। उनके शरण में जाने के बाद भी आपको भय, तो अभी आपने सच्ची शरणागति, उनसे अपना संबंध नहीं बनाया। एक बार शायद हमारा और आपका जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय की बात है, ये हमने हमारे बुजुर्गों से सुना था। बहुत पहले अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने एक कक्षा बनाई थी परीक्षण के लिए, स्काई लैब के नाम से, तो वो अपनी धुरी से खिसक गई और जमीन पर गिर आने वाली थी। तो वहां जितने भी थे, उस समय रेडियो चलते थे, उसमें अनाउंस हुआ कि अब स्काई लैब गिरने वाली है, न जाने कहाँ गिरे, और जहां गिरेगी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमारे भारत ने पूरे विश्व भर में कहा
प्रार्थनाएं बैठ गई, हमारे भारतवर्ष में भी राम धुन बैठ गई, जगह जगह भगवान बस गिरे नहीं, हमारे ऊपर ना गिरे, हमारे ऊपर ना गिरे। कुछ ऐसे लोग थे जिनके मन में यह था किसी के ऊपर ना गिरे, सब प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर रेडियो पर समाचार प्रसारित हुआ कि स्काई लैब गिरी लेकिन समुन्द्र में। आपको क्या लगता है फिर किसी ने भजन किया होगा? सब उठ गए, मैं टाट पल्ली अपनी निकाल निकाल करके हे भगवान थैंक यू और घर गए। क्योंकि जब तक भय था तब तक भजन चल रहा था, भय खत्म हुआ तो भजन भी, सब अपने अपने घर। तो ऐसी भक्ति काम आएगी? ये तो स्वार्थ वाली हुई ना। या फिर लोभ से बसते भगवान इतना दे इतना दे, देते रहे तब तो भगवान बहुत अच्छे, और जिस दिन दिया नहीं आपकी इच्छा पूरी तो फिर ऐसी भक्ति खिसक जाती है जीवन से। कभी कुछ जीवन में अचानक बदलाव आ गया तो कई एक बार कई माताएं ऐसी हमें मिलती हैं। हम पहले बहुत भजन करते थे लेकिन हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ तो फिर अब हमने बंद कर दिया। हमारे पति जी साथ छोड़कर चले गए इसलिए हमने बंद कर दिया। इसमें भगवान का क्या लेना देना है? क्या सब अमरता लेकर आए हैं, कोई नहीं मरेगा? या आपके परिवार में या कभी संसार में कहीं कुछ ऐसा बदलाव नहीं आएगा? अरे तुम्हारा अपना भरोसा नहीं है? स्वयं भगवान के पिता दशरथ, भगवान के जाते उनकी मृत्यु हो गई, उनकी माँ कौशल्या ये जानती थी कि भगवान साक्षात परम ब्रह्म है, पर क्या उन्होंने ये जिद की कि आप तो परम ब्रह्म है, मेरे पिता पति को जीवित करिए, मैं वैधव्य भोग रही, विधवा हो गई हूं। नहीं, उन्हें पता था जिसकी जितनी आयु है उससे ज्यादा ना जी सकेगा। प्रभु का अनुसरण हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु की कृपा से हमारी बुद्धि सत्कर्म में प्रवृत्त रहती है, प्रभु की कृपा से हम निर्मल बने रहते हैं, प्रभु की कृपा से, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ ये उपहार और बुद्धि है। उनके प्रकाश से आप अच्छे से अच्छे कार्य कर पाओगे। उनका प्रकाश रहा तो एक मनुष्य क्या कर सकता है, उसकी क्षमता से ज्यादा मनुष्य काम कर सकता है, सफल हो सकता है। उसकी सफलता केवल अपने तक सीमित नहीं रहेगी, यश को बढ़ाने वाली है। जो भगवान से जुड़ा होता है उसका यश बड़ा होता है, उसके कार्य यशस्वी होते हैं। और क्योंकि वो मंगल भवन है तो आपके जीवन में भी मंगल ही कर देते हैं उनसे अगर कोई जुड़ा होता है। जीवन में आनंद मंगल सबकी चाह होती है। एक नास्तिक भी यदि होगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, वो भी आनंद तो चाहता ही है ना अपने जीवन में, शांति तो सबकी एकमात्र चाह है। तो चाहे आप भगवान को कृष्ण कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, शांति कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, वो आपके अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन वो एक ही शक्ति है जिसकी सब मांग करते हैं। इसलिए कहा कि भैया यहां इस पूतना पर प्रभु ने कृपा की है, तो जब प्रभु कृपा करते हैं अपने भक्त पर तो उसकी अविद्या का हरण कर लेते हैं। तो जब शुरुआत में श्रद्धा होती है, अंधविश्वास में पड़े होते हैं, तो ज्ञान के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, आपके अज्ञानता का हरण करते हैं। आगे कथा आती है सकट भंजन की। भगवान का जन्म नक्षत्र कौन सा है? हाँ, रोहिणी नक्षत्र। कौन सा है? देखो आजकल हम जन्मदिन इत्यादि मनाते हैं, हम किस पर मनाते हैं? डेट, तारीख जो होती है उसी पे मनाते हैं। पर ये जो परंपरा ये वेस्टर्न की है, तारीख पर वो लोग मनाते हैं, हम किस पर मनाना चाहिए? हमें तिथियों पर, हमारी तिथि क्या है, हम ग्रह नक्षत्र इत्यादि से चलते हैं, हमारा लूनर कैलेंडर चलता है। और फिर किस तरह के नक्षत्र ग्रह में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका क्या नक्षत्र है? आज आप दक्षिण भारत चले जाइए, अपने नाम से अगर आप पूजा करवाते हैं तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपका जन्म नक्षत्र क्या है, उसके द्वारा आपकी यहां पूजा की जाती है।
व्यक्ति का जिस प्रकार का जन्म नक्षत्र होगा उसी प्रकार का उसकी प्रवृत्ति स्वभाव बनेगा। इसलिए महाराज आप अगर डेट में अपना जन्मदिन मनाते हैं अच्छी बात है, अपने लोगों के लिए मनाइए, लेकिन तिथि जिस दिन आपकी जन्म तिथि हो उस दिन पूजा करनी चाहिए, अपने इष्ट देवों को मनाना चाहिए, कुछ सत्कर्म करना चाहिए, कोई ना कोई सत्कर्म अवश्य करें जिससे पूरा वर्ष आप पर अपने इष्ट और पितरों का आशीर्वाद बना रहे, आपके जीवन में सद्बुद्धि बनी रहे, आप में विचारों का प्रकाश बना रहे। कम से कम 11 दीपक उस दिन जलाना चाहिए। तो तिथि वाले दिन, और अगर जन्म नक्षत्र पर आपकी तिथि पड़ जाए तो अत्यंत अद्भुत संयोग बनता है, तो उस व्यक्ति को काल का भी खतरा नहीं रहता। यदि उस दिन वो अपने इष्टों को मनाए, सत्यनारायण की कथा हो जाए घर में, थोड़ा सा हवन हो जाए, 11 दीपक आप शाम के समय जला लें, थोड़ा दान पुण्य कर दें, जो छोटे बच्चे हैं उनको भोजन करा दें, जो गरीब बच्चे हैं उनको स्वेटर दे दें, कपड़े दे दें, पुस्तक दे दें, ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं आप। अगर आपके यहाँ विधवा आश्रम है जहाँ वृद्ध महिलाएं रहती हैं, कोई उनका सहारा नहीं है, उनको भोजन करा दें, उनको वस्त्र दे दें, कुछ मंद बुद्धि बच्चे हैं जो रहते हैं ऐसे शहरों में, हर जगह आपको मिलेंगे ऐसे, उनके लिए आवास होते हैं, वहाँ जा कर के उनको कुछ नाश्ता इत्यादि करा दें, भोजन करा दें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, ये सब हरि को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हो सके तो गौशाला में जाकर गौ माता को चारा खिलाएं, जो हरि को की जननी भी कही जाती है, हरि की आह्लादनी शक्ति भी कही जाती है, रुद्र भगवान की जननी कही जाती है। रुद्र भगवान माने महादेव, भगवान ने जब अवतार लिया रुद्र के तो गौ माता से लिया, इसलिए भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो उनसे रुद्र भगवान का जन्म, और रुद्राभिषेक में दुग्ध का जब आप अभिषेक करते हैं तो वो इसी कारण से करते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण करें, क्योंकि उन्हीं जननी के गर्भ से, सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों का जन्म हुआ। तो कम से कम अपने इस जन्म उत्सव पे कुछ ना कुछ तो अवश्य करना ही चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ रोहिणी नक्षत्र भगवान का जब चौथी बार आया, जब भगवान 3.5 महीने के हुए और अचानक भगवान ने करवट बदली, देखो महाराज जब मानव पैदा होता है तो किस प्रकार से उसका हलन चलन होता है वो देखना चाहिए हमें, कि कई बार वो अगर पड़ा है शुरुआत में तो 1-1.5 महीने पड़ा ही रहता है, उलट दिया तो उल्टा ही पड़ा रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पलटना सीखता है, पलटने के बाद फिर घुटमट घुटमट चलना सीखता है, फिर दीवार पर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ने लगता है। तो आज भगवान जैसे ही पलटे, मैया ने उसी का उत्सव रखवाया, और जो ही उत्सव रखवाया सोचा कि अब ग्वालिनियां आएंगी, गोपियां आएंगी, यहां मेरे लाला को परेशान करेंगी, तो क्या करूं, वही आंगन में एक छकड़ा रखा था। छकड़ा जानते हैं किसे कहते हैं? बैलगाड़ी को कहते हैं। अब उस बैलगाड़ी में बैल नहीं थे, सिर्फ गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर पकवान रखे थे, दूध दही के माट रखे थे। मैया ने कहा ये आंगन में खड़ी है, इसी के नीचे साड़ी का पालना बनाया, अपने लाला को लिटाया। अब क्या होता है जब बच्चों को आप सुलाते हैं ना तो सो जाते हैं, और जैसे ही आपने रखा तुरंत आँख खोल लेंगे। तो मैया ने जैसे ही देखा लाला सो गया है, कोई बात नहीं अब लाला सो गया, अब इसको यहाँ रख दूँ, जैसे ही रखा ठाकुर जी ने आँख खोली, लेकिन मैया को ज़्यादा जल्दी थी, बिना देखे भाग गई, मेरी गोपियाँ आएंगी उनको सबको बिठाऊंगी मैं, भजन भजन गवाऊंगी, इसलिए महाराज चली गई। अब ठाकुर जी ने कहा मोकू छोड़ के गई है मैया। अब वहां इतना महाराज हो हल्ला मच रहा है कि भगवान के रोने की आवाज तक नहीं आ रही। तभी कंस का भेजा हुआ असुर जिसका नाम था, वो चाक्षुष मनवंतर में उसे लोमस ऋषि का श्राप लगा था, शरीर नहीं था उसके पास, तो वो सकट में बैलगाड़ी के उस गाड़ी में प्रवेश करके भगवान को दबाने लगा। भगवान ने एक लात मारी और सारी गाड़ी उलट गई। उलट गई तो क्या हुआ,
गाड़ी उल्टी तो जितने भी दूध दही के मार्ट थे वो बिखर गए। भगवान उसके ऊपर आ गए और भगवान थपकी मार करके और आनंद ले रहे, ये कथा है। भगवान ने ससुर का वध किया, किंतु इसका एक आध्यात्मिक पक्ष है, और वो आध्यात्मिक पक्ष है कि हमारे यहां बैल को कहा जाता है धर्म। क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है ना। भगवान भोलेनाथ का वाहन क्या है? बैल। तो बैल धर्म, और शिव को कहा जाता है, शिव माने कल्याण। जीवन में जब भी कल्याण हमारे घर में आता है तो कैसे आएगा? धर्म पर बैठ कर आएगा। जब जीवन में आपका धर्म कार्य होगा तो आपके जीवन में अपने आप कल्याण वाले कार्य होने लगेंगे। अपना भी कल्याण करेंगे और आप अपने लोगों का भी कल्याण करेंगे, और जहां रहेंगे वहां का भी कल्याण करेंगे। तो धर्म होना चाहिए जीवन में। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक होता है वेद धर्म, एक होता है लोक धर्म। सरल भाषा में कहूं तो एक होता है सामाजिक धर्म, जो आपको निभाने पड़ते हैं व्यवहार में। भाई किसी की शादी में भी जाना है, किसी ने बुलाया तो वहां भी जाना है, तो ये जो आप व्यवहार निभाते हैं ये क्या है? व्यवहारिक धर्म, सामाजिक धर्म। और दूसरा है वैदिक धर्म, वेद धर्म, परमार्थ धर्म, जिसमें आपको बताया जाता है शास्त्रों के द्वारा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये शास्त्र क्या है? ये वेद धर्म है, जो आपको बताते हैं ये भजन करो, ये करिए, ये करिए, ये मत करिए। तो ये हुआ वेद धर्म, और जो आप समाज में व्यवस्था को बनाकर करते हैं ये हुआ सामाजिक लोक धर्म। अब आप माला पकड़ कर बैठ गए और बेटा बीमार है, वहां देखने ना जाएं तो क्या होगा? लोग आपकी निंदा करेंगे। बताओ बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है और इसको माला की पड़ी हुई है, माला जाप कर रही है, तो लोग अपवाद करेंगे, टीकाएं करेंगे, निंदा करेंगे आपकी। लेकिन वही आप संसार में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन परमार्थ में भगवान के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। कोई अच्छे सत्कर्म नहीं होते आपसे, ना कभी प्रभु में चिंतन जाता, ना मन जाता, ना कभी कथाओं के में जुड़े, ना कभी हरि चर्चा सुनी, ना कभी हरि कीर्तन किया, ना कभी किसी की सहायता की। तो संसार भले ही आपको कुछ ना कहेगा, किंतु भगवान के परमार्थ से आप कट आउट हो गए। फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। पर ये जितने भी सामाजिक लोग हैं तब तक आपसे जुड़े होंगे जब तक आप पर इस समय वर्तमान में अच्छा समय चल रहा है। जैसे ही समय गड़बड़ आया तब आपको लगता है सब साथ होंगे? नहीं होते महाराज। हमें बड़ा अहंकार होता है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। महाराज कोई किसी के साथ नहीं है। जब तक समय आपके साथ बढ़िया चल रहा है ना, सब आपके साथ है। जिस दिन समय विपरीत हो गया तो आपके पास 2000 की आवश्यकता पड़ेगी, कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जब समय है तो घर बैठे 20 लाख तक लेकर आएंगे लोग। समय के साथ सब है, इसलिए समय कुछ ना कुछ अपने 24 घंटे में से कम 10 मिनट तो अपने ठाकुर को देने चाहिए। आपके घर में विराजे हुए ठाकुर भी आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि 24 घंटे घूमता है, 24 घंटे अपने में बिताता है, क्या इसको मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं है? हम कितनी बार भूल जाते हैं भगवान को, पर भगवान भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। अष्टम स्कंद में भागवत में वर्णन आता है भगवान कौन है। कई बार आपसे पूछा जाए, खासकर जब हमारे युवा विदेश में पढ़ने जाएंगे तो बाहर के बहुत सारे ऐसे आक्रामक लोग बैठे हैं अलग अलग धर्म के, जो हमारे ही युवाओं को मर रहे, जिनको अभी धर्म से नहीं उनको इतना पता, तो उनको एकदम संशय में, कंफ्यूजन में डाल देते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे भगवान हैं, कोई एक भगवान है ही नहीं, सबको मनाते, पॉलीथियस्टिक है तुम्हारा धर्म, इतने सारे भगवान हैं, हमारा तो एक ही भगवान है। फिर युवा आकर प्रश्न करते हैं
कि हमारे यहाँ इतने इतने सारे भगवान क्यों हैं। और फिर जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, उनका जीवन भी हम देखते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो भी अच्छे से जी रहे होते हैं, अच्छे से खुशियां मना रहे होते हैं, फिर भगवान को हम क्यों माने? कई बार ये प्रश्न उठता है, तो ये उत्तर दिया है क्यों माने। तो कहा ये न चेतयते विश्वम, विश्वम चेतयते न। जो विश्व को चेतना प्रदान कर रहा है, जो शक्ति प्रदान कर रहा है, जिससे आप जीवन प्राप्त कर रहे हैं, वो सब ईश्वर की शक्ति है। लेकिन हम सब मिलकर भी उसे चेतन ना कर सके, उसी का नाम ईश्वर है। जिससे हम सब कुछ लें लेकिन बदले में कुछ ना दे सके, वो कौन है? ईश्वर है, प्रभु है। देखो हमारे यहाँ ब्रह्म तो एक ही है, परमात्मा हजार नहीं है। जो आपको अलग अलग दिखते हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं। क्या है? भगवान अलग अलग नहीं है, केवल स्वरूप है। इसलिए ऋग्वेद में मंत्र आता है, एकम सद विप्रा बहुधा बदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूप से कहते हैं। अब जब वो जो अलग अलग रूप से सबने कहा, वो आपको स्वरूप दिखाई पड़ते हैं ना। किसी ने उसको देवी के रूप में अनुभव किया उसी ब्रह्म को, तो देवी रूप में। किसी ने कृष्ण रूप में अनुभव किया तो कृष्ण में। किसी ने राम में अनुभव किया तो राम में। किसी ने हनुमान में देखा, शिव में देखा, तो सबने अलग अलग अनुभव किए, तो आपको अलग अलग दिखाई पड़ते, पर है कौन? एक ही सत्य है। तो ये भगवान के स्वरूप है। जैसे आप एक स्वर्ण है, सोना है, अब वो अलग अलग स्वरूपों में दिखाई पड़ता है। आपने मांग का टीका बनाया तो टीका हो गया, कान का झुमका बनाया तो झुमका, हार या गले का बनाया तो हार, हाथों का कंगन। लेकिन एक दिन गुस्सा आ जाए, बहुत हो गया, और कूट डालो मरे ओखली में, क्या बचेगा? सोना। सोना तो वो तब भी था, किंतु आकृति के कारण आपको सोना याद नहीं था, केवल आभूषण का नाम याद रहा, उसकी बनावट ही याद रही, कहां पर लगाया जाता, किस स्थान पे पहना जाता, ये याद रहा। उसी प्रकार ये भगवान के स्वरूप है। किसी में बल अधिक है, कल्याणप्रद बल है, इसलिए हनुमान है। किसी में बुद्धि बहुत है, यदि उस ब्रह्म की बुद्धि को देखना है तो गणपति। गणपति जी का स्वरूप बड़ा निराला है महाराज, बड़ा अद्भुत। देखो हमारे राष्ट्र का पक्षी है कौन? है मोर, जानवर है। जिस समय अंग्रेज आए तो महाराज राजाओं ने बड़े उनको रिझाने के लिए शेर इत्यादि, चीता इत्यादि मारे, बाघ मारे, उनको मार डालते थे। और बाघ कम होते जा रहे थे, तब घोषित करना पड़ा कि राष्ट्रीय जानवर है, मनुष्यों से खतरा हो गया बेचारे जीवों को। उसी प्रकार अगर राष्ट्र का देव बनाया जाए तो गणपति को बनाना चाहिए, क्योंकि गणपति ही एकमात्र ऐसे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उनसे और प्रत्येक राजनेता को उससे शिक्षा लेनी चाहिए। उनकी आंखें इतनी सूक्ष्म हैं, दूरस्थ होनी चाहिए, भविष्य में क्या होने वाला इस पर पैनी नजर हो। इतना बड़ा पेट, राष्ट्र के सारे सीक्रेट जो पेट में रख सके, पचा सके, उगले नहीं, इसलिए हमारे यहां संपत्ति लगी रहती है, रख सके। कान बड़े हो, सबकी सुन, जन सामान्य की सुन सके, हर कोई उसे अपनी मन की व्यथा को बता सके, सबकी सुनने के बाद भी पचा सके, चाहे वो अपमान ही क्यों ना हो, चाहे सम्मान ही क्यों ना हो। आज मैं कहूंगी महाराज हमारे यहाँ राष्ट्र में राष्ट्र की एकता कितनी मायने रखती है, भारत देश की एकता कितनी मायने रखती है। अभी एक घटना घटी है, न्यूज में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए थे,
क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते कर्तव्य होता ही है कि अधिक से अधिक पर्यटक स्थल पर जाकर के उनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे सभी लोग वहाँ पर जा सकें, घूम सकें। हम जाके फॉरेन कंट्री में जाके घूम कर आते हैं, हमारे देश में अगर जाएंगे उन्हें वो सब चीज़ें वहाँ प्राप्त हों तो फिर आर्थिक व्यवस्था से भी हम मजबूत बनेंगे। तो वो गए उसको वहाँ उस पर्यटक स्थल लक्षद्वीप के अंदर उसे बढ़ावा देने के लिए, तो उन्होंने पोस्ट शेयर किए वहाँ के, तो लोगों ने कमेंट किए होंगे कि अब मालदीव भी फेल हो गया इसके सामने, लक्षद्वीप ही अब लोगों को जाना चाहिए। तो फिर वहाँ के जो मिनिस्टर थे उस देश के, उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमारे देश के लिए बड़े उटपटांग कमेंट लिखे, आलोचनाएं की। पर देखो महाराज, आज दूसरे देश में दूसरे देश के मंत्री हमारे लिए आलोचना करें, हमारे देश के लिए आलोचना करें, हमारे प्रधानमंत्री के लिए आलोचना करें, तो आज हमारे देश की एकता कितनी मायने रखती है कि उस देश के तीन उन्हीं मंत्रियों ने जिन्होंने कमेंट किए थे, गलत हमारे देश के लिए बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बोला, उनको निलंबित कर दिया, निकाल दिया। ये किससे हुआ? एकता से हुआ। कि चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन बात देश पर आती है, बात हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आती है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इसे हम सबको एक होकर के ही, फिर एक जगह पर ही, ये समझिए हमारा ही अपमान, हमारे राष्ट्र का अपमान है। तो एकता कितनी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार अन्य देशों को भी, मालदीव को झुकना पड़ा कि पूरा देश खड़ा हो गया, कहां अभिनेता, कहां महाराज नेता, कहां खिलाड़ी, कहां जन सामान्य नागरिक, जो पसंद करते हैं और नहीं भी पसंद करते हैं, वो सब एक हो गए। उन्होंने बॉयकट मालदीव जो उन्होंने हैशटैग बना करके और शेयर किए महाराज, और आखिरकार हार माननी पड़ी अपने देश के लिए। उन सभी ने अपनी फ्लाइट रद्द कर दी, कईयों ने वहां जाना था वो सब रद्द कर दिया, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं अपितु हमारा ही, हमारे देश का अपमान है। तो यहां कोई व्यक्ति करे अपमान वो बात अलग है, लेकिन अलग देश में बैठकर कोई हमारे देश का अपमान करे और उसे कैसे झुकाना चाहिए, ये केवल और केवल एकता से ही हो सकता है। और ये राष्ट्र की एकता सभी ने ग्रहण की, अपनी ताकत दिखाई, तो आज सबको उनको झुकना पड़ा। और ये एकता बनी रहनी चाहिए महाराज। क्या होनी चाहिए? जब भी देश की बात आए आप अपनी ताकत को पहचानिए कि एक होने पर फिर चाहे कोई भी देश आए, अगर आप सभी भारतीय एक हैं अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम सबसे आगे होना चाहिए। कभी भी ऐसे अवसर होते हैं और कभी ऐसे स्थिति आती है तो हम सभी को एक होना ही चाहिए। और उस समय राष्ट्र पर कोई थोड़ी भी टीका करे, आलोचना करे, तो उन्हें कैसे जवाब देना चाहिए, ये आना चाहिए। इसके लिए एकता बहुत आवश्यक है। इसमें फिर आपको विरोधी हैं या पार्टी के हैं, इन सब में मतलब नहीं, इससे ऊपर उठकर देश को देखना चाहिए। तो आज मैं ये कहूंगी हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने दिखाया अपनी एकता, जिसके कारण फिर उनको झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, और भविष्य में कभी कोई ऐसा ना करे, ये भी एक तरह से महाराज चेतावनी मिली है अन्य लोगों को। तो एकता कुछ भी कर सकती है, इसलिए राष्ट्र की एकता को बनाए रखें, क्योंकि हम सभी भारतीयों की एकता ही हमारी ताकत है। क्या है? कोई भी देश आए, चाहे वो चाइना हो या अन्य कोई हो, अगर आप में एकता है, सब एक है राष्ट्र के लिए, तो फिर किसी के सामने आप झुकने वाले नहीं है। और पूर्व में झुकना पड़ता था, क्यों? एकता नहीं थी, हम में बिखरे हुए थे हम सभी, तो अपने को ही कमजोर समझते थे। तो ये जीता जागता एक उदाहरण है।
और इस देश की पहचान ही क्या है महाराज? एकता है। यहाँ की पहचान क्या है? अध्यात्म है। यहाँ की पहचान है परस्पर प्रेम है। किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी देश अपने ही देश को सब प्रेम करते हैं अपने अपने तरीके से अपने देश को, किंतु एक भारत ही ऐसा देश है जिसमें भारत अपने ही देश को माँ कहता है। क्या कहता है? माँ, भारत माता। यहाँ की नदियां माँ के समान है। जहां देश को मातृ दृष्टि से देखा जाता है तो देशवासियों के अंदर भी महाराज ऐसी एकता, ऐसा ही प्रेम हो, आपस में परस्पर प्रेम हो, तभी सच्चे देशवासी हैं, तभी देशभक्त हैं। तो मुझे ये जो घटना हुई महाराज, इसमें जो उसका रिजल्ट हुआ, तो वो मुझे मेरे हृदय को छुआ कि अगर ऐसे ही हर कार्य में हमारे सभी राष्ट्र के सभी नागरिक एक हो, तुम्हारा बड़े से बड़ी मुसीबत से आप बाहर आ सकते हैं। यही आपकी ताकत है। इसलिए कहा, वो भारत देश है मेरा। कौन सा देश है? जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा। भारत देश है मेरा, देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यही हमारे देश की धरोहर है। तो यहां पर दो कर्तव्य होते हैं, दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है वैदिक धर्म, एक होता है सामाजिक धर्म। तो जो धर्म होता है उसमें नियम कायदे बताते हैं, नित्य नियम इत्यादि आते हैं। सामाजिक में रीति रिवाज आते हैं, और एक राष्ट्र का भी धर्म होता है, उसमें आते हैं कायदे कानून। ठीक है, तो ये तीन व्यवस्थाएं एक व्यक्ति को नियंत्रण करके रखती हैं, सही तरह से चलाती हैं। जब आप शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, तो पंडित जी आते हैं ना, ब्याह पढ़ाते हैं। ये क्या है? धर्म के नीति नियम। फिर लोग इकट्ठे होंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, उनकी हाजिरी में ये होते हैं रीति रिवाज। वो फिर आकर के तुम्हें ये बताएंगे कि हाँ, ये शादी हो गई, ये पति पत्नी है।
और फिर कानूनी कायदे कानून भी फिर उस पर लागू हो जाते हैं कि अगर ये कुछ करेंगे तो पति पत्नी घोषित है, ये विवाह हो चुका है इनका, कुछ गलत करते हैं तो फिर आप उस पर कानूनी व्यवस्था से कार्य कर सकते हो। तो कहा कि धर्म हमको सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो पुण्य करते हैं और पाप से बचते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें ना तो धर्म की पढ़ी होती है, ना उन्हें ईश्वर से डर होता है, ना उन्हें समाज से कोई मतलब है। ऐसे लोग जो अपराधी वृत्ति के हैं, जिनको ना तो ईश्वर से डर है, ना किसी धर्म का डर है, ना ही लोगों का डर है, उनको कष्ट देते हैं, ऐसे पापी लोग जो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए मारने में भी आतुर हो जाएं, उतारू हो जाएं, फिर ऐसे लोगों पर होता है राष्ट्र के राजा का दंड, उनको सही दिशा में लाने के लिए। इसीलिए फिर आप उस दंड को आज की व्यवस्था में पुलिस कह सकते हैं। तभी तो जेल बनी है महाराज, कैद खाने बने, नहीं तो क्या आवश्यकता थी। ऐसे लोगों को दंडित हो जो जिनको ना तो धर्म के प्रति आस्था है, ना धर्म जानते हैं क्या सही है क्या गलत है वो पालन करते हैं, ना सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, असहायों को परेशान करते हैं, तब उनके लिए फिर राष्ट्र का दंड होता है, कानून व्यवस्थाएं होती है। तो कुल मिला के कहूं तो ये जो सकट है इसमें बैल नहीं है, सिर्फ छकड़ा है। तो ये वो ग्रस्त जीवन है जिसमें धर्म नहीं है, इसमें भोग प्रधान है। भोग माने दूध दही के मटके ऊपर रखे और भगवान नीचे बंधे हैं, यानी ऐसा ग्रस्त जीवन जिसमें केवल और केवल संसार के सुखों को प्रधानता है। प्रायोरिटी किसमें है, किसको है, बस सुख हो, खाओ पियो सो जाओ, ऐसा जीवन आसुरिक जीवन है। ऐसे जीवन को भगवान दंड देते हैं, कृपा का ही दंड है वो महाराज। भगवान गाड़ी को ही झकझोर दे, पलट देते हैं, बड़े विमान में चल रहे होते हैं, करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं महाराज। बड़े विमान में चल रहे होते हैं, अचानक गाड़ी हिला देते हैं, लगता है कि हम ही सब चला रहे थे, और जब अपने हाथ से कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं हम चला रहे भाई, कोई और सत्ता चला रही है, तब उस ओर ध्यान जाता है कि जो कौन चला रहा है। ये प्रभु की कठोर कृपा है, लेकिन धर्म को स्थापित करने के लिए प्रभु ये कृपा करते हैं। आगे प्रसंग आता है कि भगवान जब गोपिकाओं के घर में जाते हैं तो गोपिका शिकायत करने जाती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय, भगवान बछड़ों को छोड़कर बछड़ों को खूटे से छोड़ देते हैं। बछड़े कोई और नहीं, भक्त हैं। कौन है? जो भी संसार के खूटे से बंधे हैं भगवान श्री हरि खुद कृपा करके उनको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जो भी संसार में कहीं ना कहीं आप कथा में आए, कहीं ना कहीं खूटे से बंधे थे, हमारा कोई व्यापार के खूटे से बंधा है, कोई किसी खूटे से बंधा है, कोई घर के खूटे से बंधा है, हाँ या ना? सब छोड़कर आए अपने अपने खूटे तभी यहाँ, और फिर से माया फिर से खूटा लगा देगी 6 बजे, फिर से आप सभी अपने अपने खूटों से बंध जाओगे। तो अच्छा है कि श्री हरि छुड़वा देते हैं। तो वत्सान मुंचन, तो जब खूटे से छूटते तो क्या करते हैं, गैयाओं के पास जाते हैं बछड़े। गैया कोई और नहीं, ये उपनिषद गीता भागवत ही गाय है, इनका दूध ही ज्ञान है, जिसको हम ग्रहण करते हैं और प्रभु से समीप पहुंचते हैं। भगवान सोते हुए बच्चों को जगाते हैं, चुटकी काट लेते हैं, क्या बोलते हैं आपके, चिमटी काट लेते हैं, नोच लेते हैं उनको, उनको ऐसे जगाते हैं। भगवान कहते नहीं, मैं तीन उपाय करता हूँ, मैं तीन चीजें करता हूँ। क्या करता हूँ? बोले पहले वाणी से जगाऊंगा कि भाई जागो जागो, वाणी माने शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग कराऊंगा आपके इर्द गिर्द, लेकिन जब नहीं सुनोगे तो फिर झकझोरूंगा जीवन की गाड़ी को हिला करके, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे तो चिमटी काटेंगे। फिर बच्चे रोते हैं, जाग जाते हैं, भगवान भी थोड़ा हल्का चिमटी काटते हैं, और जीव रोता है फिर भगवान के समक्ष, क्योंकि दुख होता है उसे, कष्ट होता है, तो प्रभु मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं चिंता मत करो।
तुम्हें जगाने के लिए मैंने ऐसा किया, पर तुम जाग गए ना, ये अच्छा है, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो कभी कभी जीवन में कष्ट आते हैं ना, वो भगवान की कृपा ही होती है। क्या आपको, जो आप गाफिल हैं, बिल्कुल खोए खोए हैं, उसे सही सही दिशा देने के लिए भगवान जीवन में ये कष्ट विपत्ति लाके खड़ी करते हैं? इसलिए प्रभु की कृपा है, और आज प्रभु ने कृपा की है, उस जीवन में धर्म की स्थापना की, इस प्रकार से सकट भंजन हुआ, तृणावर्त आया, भगवान ने उसका भी वध किया।